ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ पर दिन भर की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के हाजिन में आतंकी जकीरुर रहमान लखवी के भतीजे समेत 6 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में एक गरुड़ कमांडो शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए हैं। ये आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में बैठक करने आए थे। लखवी 2008 के मुंबई हमलों का आरोपी है। फिल्म पद्मावती के निर्माताओं को सेंसर बोर्ड के आगे कुछ मीडिया हाउस को तरजीह देना भारी पड़ गया है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्हें इस बात की नाराजगी है कि फिल्म मेकर्स ने पद्मावती सेंसर बोर्ड से पहले कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस को दिखाई है। एबीपी न्यूज से करणी सेना के संस्थापक ने कहा कि किसी कीमत पर फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम अब वंदे मातरम कॉलेज होगा। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला लिया है। बीजेपी नेता का कहना है कि मां को सम्मान दे रहे हैं, इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलहित में हजारों लोग विद्रोह पर उतर आए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इस इलाके को एक तुगलकी फरमान सुना दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं तो गिलगित के लोगों को पाकिस्तान सरकार को टैक्स देना होगा। कोलकाता में भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन खराब रोशनी की वजह से मैच समय से पहले खत्म हो गया। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंकाई टीम भारत के 172 रनों के जवाब में 4 विकेट के लॉस पर 165 रन बनाकर खेल रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।